हेलो गाइज, नमस्ते नमस्कार, दिस इज़ केडी चौधरी एंड यू आर वॉचिंग केडी फ्लिक्स। खेतों की तरफ थोड़ा आया हुआ था, काफ़ी लोग बाग खेतों में हलचलें बढ़ गई है। ये हमारा खुद का खेत है, हालांकि इसमें अभी 4-5 दिन पहले ही बिजाई हुई है, तो अभी फसलें थोड़ी छोटी है। पिछले 3 दिन से इतनी गर्मी थी कि आज मौज कर दी। आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम माई कजन एंड ही सेड कि यार तू बड़ा आदमी हो गया, आता नहीं है आजकल, तो आई एम जस्ट गोना प्रूव हिम एंड गो टू देयर कि आई एम नॉट ए बड़ा आदमी। धूप अभी निकली है, तुरंत अभी सुबह से बारिश हुई जा रही थी, बूंदाबांदी थी, हल्की भारी, और आज सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। किसी भी खेत में अभी बड़ी फसलें नहीं है क्योंकि अभी बिजाई हुई है। मेरा कज़न ब्रदर रहता है यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर, मतलब आई मीन राजस्थान एंड ही इज़ इन हरियाणा, तो हरियाणा मेरे यहाँ से पड़ेगा, बॉर्डर है 9 किलोमीटर। गाड़ी मंगा ली है मैंने आने वाली है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बचपन में इससे बहुत हम खेला करते थे, इसको वैसे बूढ़ी माई कहते थे हमारी लोकल लैंग्वेज में, ऑफिशियल नाम इसका पता नहीं क्या है, लेकिन देखने में इतनी मखमली और कितनी प्यारी चीज़ होती है ये कि हर बच्चे का अट्रैक्शन होती है। ये इधर गांव है और गांव से निकलते ही ये अपने खेत हैं। कीचड़ देखे भाई को इतना दुख हुआ है, जितना सब खत्म हो गया। स्टिकर बाकी घोले या तू घोले? स्टिकर कितने का छपाई है? हरा बड़ा ही है। बढ़िया डिजाइन है। तब बाल्टी है? बाल्टी एक बाल्टी पानी मारेंगे यहाँ से। ना बिल्कुल सही है। बता दिया तेरे, ठीक है मार फिर कमेंट करूंगा, डिसलाइक करूंगा वीडियो। बाल्टी आ गई है, शाबाश। अंदर तैर के लिया, यहाँ नीचे से पानी नहीं भरा जा रहा है, गाड़ी को लेके आएंगे उस साइड, दूसरी साइड वहाँ एक पानी की टंकी है छोटी सी, वहाँ से पानी मारेंगे। अभी हम पहुँचे हैं, ये अपना बुजासर गांव है पीछे, बुजासर के पास में हेड है। हम जिस रोड से गुजर रहे हैं, ये दो गांव की सीमा है, ये गांधी बड़ी है, ये चिड़िया गांधी है। इसी को ये पता नहीं चलता कि ये दो गांव है, मुझे खुद आज पता चला कि ये दो अलग अलग गांव है। यहाँ से हरियाणा का बॉर्डर रहता है मात्र 3 किलोमीटर, यानी अभी मैं घर से पहुँचा हूँ 5 या 6 किलोमीटर मैक्सिमम, और 3 किलोमीटर आके हरियाणा का बॉर्डर आ जाता है। फाइनली हम पहुंच गए हरियाणा की ज़मीन पे। यहाँ और पीछे 3 किलोमीटर पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस है 11 से 12 रुपए तक पर लीटर। आपको अगर 12 रुपए का डिफरेंस है ना, दैट मीन्स अ लोड, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है अगर आप टैंक फुल करवाते हैं या फिर बल्क में ऑयल डलवाते हैं तो। ये गांव है कुमारिया, यहाँ पे एक फेमस मंदिर है जहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, ये सती दादी का मंदिर इसको बोलते हैं। और भाई गाड़ी धो चुके हैं 2 बार। ये कीचड़ जिस हिसाब से ये पानी पड़ा है, क्यों जाते ही गाड़ी को फिर धोना पड़ेगा, ये खुद नहीं नहाते हैं। हम पहुंच गए हैं, ये साइड में पानी के लिए व्यवस्था है। ये अनार का बाग है और ये दो बीमार है। ना खानी भाई है? ना खानी, लोटी खाली गए? हाँ लोटी खाली। आराम कर लेते हो, आधी घंटा माऊ मैं। हम पहुंच गए हैं हरियाणा की सीमा में और अपने कजन के खेत पे, जहाँ पे ये पीछे जो बाग देख रहे हैं आप, ये अनार का बाग है। और हम 3 बीमार हैं, एक ये बीमार रहा एंड सेकेंड वन इज दिस और थर्ड वन इज मी। अभी वो बाहर गया हुआ है कुछ लेने के लिए सामान वगैरह, हम पहुंच गए, उसने फ़ोन करके चाबी बताई थी। कहाँ बताई थी भाई? यहाँ ये चाबी रखने की जगह है,
कुएं के जस्ट बगल में इधर। यहाँ से हमने चाबी ली, ये खोल लिया है। अभी हम जब तक वो आ रहा है तब तक उसका वेट करते हैं। लोकल खेतों का सिस्टम कतई मज़ेदार होता है। ये बेड बात है, इन कंस्ट्रक्शन है, अभी इनमें काम चल रहा है, खोदा जाएगा। उधर वो पानी भी दिखती है, इधर ये बाग रह गया। ये है कुआ, मतलब डेली कुआ खोदो और डेली पानी पियो। ये यहाँ से ट्रैक्टर का पीछे कनेक्शन होता है, ये घूमेगा, यहाँ से पानी निकलेगा। ये मेन बेडरूम और किचन भी दिखा देता हूँ आपको। 2 BHK, मतलब ये सिंगल BHK है। ये बेडरूम हो गया, ये एच है मतलब हॉल है, और ये किचन है। वाओ, मतलब सुकून देखो ना आप, जगह और चीज़ें मत देखो। ये उधर सामने बाग लगाया हुआ है इसका, अनार का, पोमेग्रेनेट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इधर वाले पौधे छोटे हैं क्योंकि अभी लगाए हुए हैं। उधर जो आप आगे देख रहे हैं ये वाली पानी की टिक्की है, ताकि बारिश में या फिर कुएं में कभी अगर पानी की दिक्कत हो तो उसका यूज किया जा सके। काफ़ी सुकून देने वाली जगह है, मतलब मज़ा आ रहा है आके। अभी तो खैर धूप निकली हुई है, जैसे जैसे दिन ढलेगा मौसम लाजवाब होता जाएगा। ऑक्सीजन हॉस्पिटल में थोड़ी है, यहाँ पे है, यहाँ पे आओ भाई। क्या हाल है भाई? जी बढ़िया। और बैटरी पे काम कर रहा है? ओरिएंट कुछ नहीं है भाई, चला तो। क्या बात है, ऊपर गर्म सही है यार, एक नंबर का सिस्टम है। वाह, यहाँ पे बैठे हुए देखो, पीछे का व्यू देखो आप, इधर टटेरी की आवाज। ओहो हो हो, पिछले 3 दिन में जितनी गर्मी पड़ी है, जितनी गर्मी पड़ी है भाई साहब, आपके एसी फेल हो गए थे। बट जो कहते हैं ना नेचर हील्स, जो नेचर दे सकता है ना, वो कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ या इंसान की बनाई हुई चीज़ नहीं दे सकती। इधर अपनी गाड़ियाँ खड़ी है, इधर भाई लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी है, ये इधर भाई लोग बैठे हुए हैं। नेचुरल चीज़ में जो सुकून है ना, वो आपको कोई भी ब्रांड में या किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा। आप भले 2 BHK में रह रहे हो, 3 BHK में रह रहे हो, किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, नथिंग कैन बीट द नेचर। साइड से रोड जा रहा है, इधर से लोग बाग खेतों में काम कर रहे हैं ट्रैक्टरों के साथ। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट। इसी प्लेजर मोमेंट के साथ आपसे विदा लेते हैं। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना।